सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसी पीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसी पीडिया पर। दोस्तों, अभी पिछले दिनों हमारे पास कंटिन्यू एक के बाद एक कई कॉल आए हैं 50 पैसे के सभी वैल्यूएबल सिक्कों के बारे में जानने के लिए। कई अलग अलग वीडियो देखने पड़ रहे हैं, तो उनका सजेशन था कि आप एक ही वीडियो में 50 पैसे के सभी कीमती सिक्कों की जानकारी दे दें ताकि आम जनता को आसानी हो समझने में और वह समझ पाए कि 50 पैसे के कौन कौन से सिक्के ज्यादा वैल्यूएबल हैं। उनका यह सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा और उसी के मद्देनजर हम आज यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की आजादी से आज तक, मतलब 1947 से लेके 2020 तक जितने भी 50 पैसे के सिक्के कापड़ निकल में बने हैं, उन कापड़ निकल के सिक्कों में सबसे कीमती कौन से सिक्के हैं, उन सभी सिक्कों की जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो यदि आपके पास 50 पैसे के सिक्के हों अथवा आप जानना चाहते हो कि 50 पैसे में सबसे कीमती सिक्के कौन कौन से हैं जो शायद आपके पास भी रखे हों, तो इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से जरूर देखिए और साथ में एक कापी और पेन लेके बैठ जाएं और नोट करते जाएं। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप एक डायरी बनाएं और उसमें सारी बातें नोट करें और राज की बात भी नोट करें। तो जिन जिन लोगों ने वह डायरी बना ली हो तो उसी डायरी में आज की बातें भी नोट कर लें, 50 पैसे के 8 सबसे कीमती सिक्के। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 50 पैसे के उन 8 सिक्कों के बारे में जो आज की तारीख में हैं सबसे ज्यादा कीमती। 50 पैसे के 8 सबसे कीमती सिक्कों में पीछे से सबसे पहला नंबर, मतलब 8वां नंबर आता है 1983 के कलकत्ता मिंट के सिक्के का, अर्थात 8 सबसे कीमती सिक्कों में से सबसे कम कीमत वाले सिक्के हैं 1983 वाले 50 पैसे के ऐसे सिक्के जो मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे। कापर और निकल की मिश्र धातु में ढाले जाने वाले ऐसे सिक्कों का वजन होता था 5 ग्राम और साइज 24 mm। सर्कुलर शेप के ऐसे सिक्के 1972 से 1983 तक ढाले गए थे। वर्तमान मार्केट प्राइस 100 रुपये से 300 रुपये तक। 50 पैसे के 8 सबसे कीमती सिक्कों में 7वां नंबर है 1980 के कलकत्ता मिंट के सिक्के का। इस सिक्के का डिजाइन भी पिछले सिक्के जैसा बिल्कुल समान है, बस मिंटिंग ईयर अलग है। पहला वाला 1983 था, यह 1980 है और इस सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 200 रुपये से 600 रुपये तक। इसी डिजाइन का एक और कीमती सिक्का वर्तमान कीमत में 6ठे नंबर का सबसे महंगा सिक्का 1978 बॉम्बे मिंट का। जिसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 400 से 1200 रुपए। महंगाई के पायदान पर 5वें नंबर पर खड़े हैं 1989 हैदराबाद मिंट के इस डिजाइन वाले सिक्के। कापर और निकल की मिश्र धातु में एसी डिजाइन के सिक्के 1984 से 1990 तक बनाए जाते थे। इनका वजन था 5 ग्राम और साइज 24 mm, मतलब पिछले वाले सिक्कों के बराबर। 50 पैसे के 1989 हैदराबाद मिंट के सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 500 रुपये से 1500 रुपये। 50 पैसे का अगला सिक्का है बॉम्बे मिंट का, मेटल कंपोजिशन, वजन, साइज और डिजाइन पिछले सिक्के जैसी समान, मिंटिंग ईयर 1986। मुंबई मिंट के 50 पैसे के ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 1500 से 4500 रुपए तक। अगला सिक्का, मतलब 50 पैसों में तीसरे नंबर का सबसे कीमती सिक्का जिसकी डिजाइन, वजन एवं साइज पिछले सिक्के जैसी समान है, मिंटिंग ईयर है 1988। इस डिजाइन का 1988 का सिक्का यदि आपके पास है तो ऐसे एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 3000 रुपये से 9000 रुपये तक। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य खास बात यह है कि 1988 में इस डिजाइन में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों मिंटों ने यह सिक्के ढाले थे
लेकिन इस डिजाइन में नोएडा मिंट द्वारा मात्र 1988 में यह सिक्के डाले गए थे। अतः 1988 के मात्र नोएडा मिंट वाले सिक्के ही रेयर काइंड की कैटेगरी में आते हैं, और सिर्फ नोएडा मिंट के सिक्कों की आपको अधिक वैल्यू मिल सकती है। बाकी तीनों मिंटों के काइंड कॉमन काइंड की कैटेगरी में आते हैं। और 50 पैसे के सबसे महंगे सिक्कों में दूसरे नंबर पर जो सिक्का आता है वह है 1959 में मुंबई मिंट द्वारा 5 ग्राम वजन, 24 mm साइज और निकल की धातु में डाले गए ऐसे सिक्के जिनकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 15,000 से 1 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आजकल इन सिक्कों की कीमतें बढ़ गई है और वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 15,000 से 1 लाख रुपए तक। और इस वीडियो का आखिरी और 50 पैसे का सबसे महंगा सिक्का 1947 भारत की आजादी के ठीक 10 साल बाद पहली बार निकल की धातु के 50 पैसे के सिक्के भारत में जारी किए गए थे 1957 में। 1957 वाले ऐसे सिक्कों की ढलाई मात्र बॉम्बे मिंट में हुई थी। इनके फ्रंट में बड़ा सा अशोक एम्बलम, अशोक एम्बलम के बाईं तरफ देवनागरी में भारत एवं राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा रहता है। रिवर्स में सबसे ऊपर देवनागरी में रुपए का आधा भाग, मध्य में इंटरनेशनल नंबर में 50 सिक्के का डिनोमिनेशन, और उसके नीचे देवनागरी में नए पैसे के नीचे मिंटिंग ईयर, और मिंटिंग ईयर के नीचे मिंट मार्क दिया रहता है। 50 पैसे मतलब रुपए का आधा भाग, अर्थात 8 आने या 98 के मात्र एक 1957 के सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 30,000 से 1,20,000 रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, 8 आने के एक सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस 30,000 से 1,20,000 रुपए तक चल रही है। अब नोट कर लें राज की बात। बम्बई के निकल धातु के सिक्कों की वैल्यू भविष्य में और बढ़ने की संभावना है, खास करके यूएनसी कंडीशन के, क्योंकि आजकल यूएनसी कंडीशन में यह सिक्के देखने को नहीं मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी कॉइन कलेक्टर होते हैं जो मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यूएनसी ही चाहिए रहते हैं। परंतु आपको एक बात और याद दिला दूं, यदि आपकी रिस्क लेने की क्षमता ना हो तो कृपया इन सिक्कों में इन्वेस्ट ना करें। वैसे नॉर्मली तो अभी आने वाले कुछ दिनों या कुछ सालों में सिक्कों और नोटों के रेट कम होने के कोई चांस नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी कारण से अचानक से सिक्कों के रेट डाउन हुए तो इतने महंगे सिक्के बेचने में परेशानी आ सकती है। यदि आप सक्षम हों तभी इस टाइप के महंगे सिक्कों में इन्वेस्ट करें, अन्यथा ना करें, यही मेरी सलाह है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। यदि आप रिस्क उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं, इससे आपको कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आपके ऊपर है, डिसीजन आपका है, आप अपने विवेक के अनुसार अपना डिसीजन लें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो देखा दोस्तों, यह तो थे 50 पैसे के 8 सबसे कीमती सिक्के निकल और कॉपर निकल के। इसके अलावा भी 50 पैसे के कुछ कीमती सिक्के हैं जो FSS की धातु में बने थे, जिनके बारे में बात करेंगे हमारे आगे आने वाले किसी वीडियो में। हमें उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि आप आए हैं इस चैनल पर पहली बार और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप देख पाते हैं हमारे नए वीडियो सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर एक नए रोचक अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।